हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पे बात करी थी, ठीक, जिसमें अपन लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड विद रेस्पेक्ट टू बी डिफाइन करा था। आज अपन लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे बात करेंगे, ठीक। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप लोग को केवल एक्सप्लेन करूंगा, कंप्लीट आप लोग मुझे करके देंगे, ओके। बट पहले मैंने आपको बताया था कि जो पैरेललोग्राम लॉ है वो एक तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अपन भी अब आगे जितने भी वेक्टर ऐड करेंगे, टू या मोर देन टू वेक्टर जब भी अपन ऐड करेंगे, तो हमेशा पैरेललोग्राम लॉ को ही अपन लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे बेटा, ठीक। अब वो अपन क्यों फॉलो कर रहे हैं वो मैं अब आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। तो देखना, सबसे पहले अपन लोगों ने ट्रायंगल लॉ पर बात करी थी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें अपन लोगों ने क्या देखा था, इस तरीके से आप लोगों के पास ट्रायंगल की एक साइड पर एक वेक्टर था, ट्रायंगल की दूसरी साइड पर दूसरा वेक्टर था, और इस तरीके से आप लोगों के पास जो थर्ड साइड होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर होता है आर वेक्टर, जिसको आप लोगों ने लिखा था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक। तो अपन लोगों को समझना कहते हैं कि जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको मैं कैसे लिखूंगा, उसको लिखूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा, और जो ये आर वेक्टर होता है इसको मैं एक तरीके से क्या बोलता हूं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं इसको, रिजल्टेंट वेक्टर बोलता हूं। आई पास में फिर जब मैंने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करा था तो वो मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और वो कितना आया था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी वेक्टर। अब थीटा क्या था, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये था कि नहीं था। अब आप देखो, मुझे थीटा चाहिए एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब आप देखो यहां पर ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर का टेल है, तो ये तो मैं एंगल दे ही नहीं सकता, इसलिए मैंने क्या करा था, ए वेक्टर को आगे बढ़ा दिया था इस तरीके से, याद करो। और यहां पे ये जो एंगल बना था, ये एंगल आप लोगों के पास थीटा बना था, ठीक, जिसको आप लोगों ने क्या बोला था, एंगल बिटवीन वेक्टर बोला था, ठीक। उसके बाद अपन लोगों ने कंपोनेंट ले ली थी इस तरीके से, याद करो, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आया था वो बी कॉस थीटा आया था, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आया था वो बी साइन थीटा आया था। उसके बाद अपन लोगों के पास एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल हो गया था, तो अपन लोगों को क्या फाइंड आउट करना था, हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर कर देता, ठीक। उसके बाद अपन लोगों ने टेन अल्फा कैलकुलेट करा था, टेन अल्फा क्या था आप लोगों के पास, टेन अल्फा था डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ए, कि ए से जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना एंगल पर है, तो यही तो आप लोगों के पास टेन अल्फा था कि नहीं था। अब आप देखो यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर का टेल से टेल मैचेस, इसलिए मैंने यहां पे डायरेक्ट एंगल अल्फा ले लिया। अरे बस में, और मैंने आपको क्या बताया था कि जब अपन इसके साथ एंगल लेंगे, ए के साथ एंगल लेंगे, तो ऊपर कौन आएगा, दूसरा वाला बी, तो हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। इसी तरीके से मैंने क्या निकाला था, टेन बीटा, टेन बीटा क्या, टेन बीटा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब आप देखो रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर का भी तो हेड से हेड मैच है, और जब ये हेड से हेड मैच है तो ये एंगल आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, बीटा, तो ये हो जाएगा टेन बीटा, टेन बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब बी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं इसलिए ए को पहले लिखूंगा, तो ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कॉस थीटा। इस तरीके से अपन लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे क्या करी थी बेटा, बात करी थी। आई नहीं बस मन में आपको, ठीक। अब आपको ध्यान से देखना, इसके लिए अपन लोगों ने अलग अलग केसेस पे बात कर ली थी, थीटा के लिए थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, जहां पर अपन लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम की बात करी थी। आई बात समझ, तो देखना आप, अब अपन बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ की, और उसका एडवांटेज देखेंगे कि उसका एडवांटेज क्या है आपके पास, ठीक है। तो देखना आप लोग, पैरेललोग्राम लॉ एज इट इज यही वेक्टर लूंगा, यही ए वेक्टर, यही बी वेक्टर, एज इट इज इस डायरेक्शन में, देखना ये हो गया ए वेक्टर और ये इधर की तरफ हो गया आपके पास बी वेक्टर, और ये हो गया प्लस करना, ऐड करना इनको, तो फैक्ट है कि अब इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो मैं ऐसा एक पैरेललोग्राम ढूंढता हूं। तो देखना मैंने इस तरीके का एक पैरेललोग्राम ढूंढ लिया, और आपको पता है कि पैरेललोग्राम में जो ये आमने बने साइड्स होती है ये क्या होती है, इक्वल होती है एक दूसरे के। अब मैंने वेक्टर ए को यहां से पिक करा, उठाया यहां से और यहां पर रख दिया इस तरीके से, ये हो गया
ए वेक्टर, ठीक। एज इट इज मैंने बी वेक्टर को यहां से उठाया और एज इट इज इस साइड पर रख दिया बी वेक्टर। अगली बात, अब आप देखना बहुत ध्यान से, यहां पर अगर आप इस पैरेललोग्राम को देखोगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की टेल से टेल मैच है, जबकि यहां पे नहीं थी। यहां पर टेल से टेल मैच करने के लिए मुझे ए को उठा के आगे रखना पड़ता, तब जाके थीटा मान पाया मैं, तभी तो जाके थीटा मान पाया। अब यहां पर देखो दोनों का टेल से टेल मैच है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर इसको क्या कंसिडर कर लूंगा, इसको थीटा मान लूंगा। तो सबसे पहली बात तो क्या कि अपन लोगों को ए और बी, जो मेरे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल है वो मैं इजीली अब क्या कर सकता हूं, यहीं के यहीं कैलकुलेट कर सकता हूं। आ गई बस में, अब थर्ड बात, सेकंड बात सुनना, ठीक। अब यहां पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था वो ट्राइंगल की थर्ड साइड पर अपोजिट डायरेक्शन में आया था कि नहीं आया था, यही तो था। लेकिन यहां पर बहुत ध्यान से देखना, जो भी आप लोगों के पास पैरेललोग्राम है इसका खुद का डायगोनल होगा, तो ऐसी कंडीशन पर अगर आपकी पैरेललोग्राम की दो साइड पे दो वेक्टर रखे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन पर रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इसके कहां से पास होगा, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इसके डायगोनल से पास होगा, और वो होगा आपके पास आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आपको ध्यान से देखना, ए और बी जहां से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, ठीक है ना, आप देखो कि आप लोगों का रिजल्टेंट वेक्टर भी वहीं से निकल रहा है। तो देखो ए वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर और आप लोगों के पास जो बी वेक्टर है, उन तीनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है, तो मेरे को इनिशियल वेक्टर बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। अब आपको ध्यान से रखना, मैं यहां पर आर वेक्टर और ए वेक्टर दोनों की टेल से टेल मैच है, इसी को अल्फा कंसिडर कर सकता हूं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, और आर वेक्टर और बी वेक्टर उनकी भी टेल से टेल मैच है, तो इसी को मैं यहां पे क्या कंसीडर कर सकता हूं, बीटा। तो देखो सारे एंगल एक ही जगह आ गए, यहां पे सारे एंगल अलग अलग कंसीडर करने पड़ रहे थे अपन को, जबकि यहां पे तीनों वेक्टर की टेल आपस में मैच है, इसलिए सारे के सारे एंगल यहीं पर आ गए। थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अल्फा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, एंड बीटा एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आर वेक्टर। अगली बात में, अब ये तो हो गया अपना एक्सप्लेनेशन, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो मेरे पास वही रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा आर वेक्टर, वो किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल आएगा। फिर जब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, वो भी मेरे पास कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आएगा, और जो मेरे पास tan अल्फा आएगा वो कितना जाएगा, वही tan अल्फा। अब आप देखो अल्फा किसके साथ है, a के साथ, तो ऊपर कौन आएगा, b, तो वही b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। इसी तरीके से tan बीटा कितना हो जाएगा, a sin थीटा अपॉन में b प्लस a cos थीटा हो जाएगा। और आप खुद देख लो ना, अब अगर ये b वेक्टर है तो ये भी तो b वेक्टर होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो इस वाली लाइन से ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो इस b वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, b cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट कितना जाएगा, b sin थीटा। अब आप देखो ये वाला ट्राइंगल देख लो, अब आप लोगों के पास ये ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया। अब आपको वापस हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर लेके रूट ले लें, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास वही a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर जाएगा, और यहाँ पे b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, और साथ में रूट लेते हुए चलेंगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास यही यही रहेगा। तो जब भी अपन पैरेललोग्राम रूप की बात करेंगे, तो इसमें अच्छी बात क्या है कि दोनों वेक्टर का टेल से टेल मैच होगा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो भी यहीं से निकलेगा, और वो हमेशा उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से पास होगा। अरे बस में, और मैग्नीट्यूड और एंगल एज इट इज जो ट्राइंगल में कैलकुलेट करके गए थे वही का वही आएगा। अब आप लोग मुझे पूरा डिटेल में ये आप मुझे कंप्लीट करके बताएंगे बेटा, साथ में केसेस भी लेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर मैक्सिमम और मिनिमम भी मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। आएंगे एक बार समझ में, देखो इसको जल्दी से, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरीके से जो थर्ड होता है अपन लोगों के पास, होता है अपन लोगों
आपके पास पॉलीगल लॉ। पॉलीगल लॉ में क्या होता है, अपने पास मोर देन टू वेक्टर्स होते हैं ठीक, जिनको अपन लोगों को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके का ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर है इस तरीके से ठीक है ना, इधर की तरफ ये आपके पास सी वेक्टर हो गया, इधर की तरफ ये डी वेक्टर हो गया और इधर की तरफ आपके पास ये ई वेक्टर हो गया, सबको ऐड करना। तो फैक्टर सबका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं एक ऐसा पॉलीगन लेता हूं कि इन सारे वेक्टर को जब उस पर रखूं, उसकी साइड पर रखूं, तो ये वेक्टर चेंज ना हो। तो देखना मैं कैसा पॉलीगन लूंगा, ठीक है एक वेक्टर और ले लेते हैं अपन, मैं इसको इसको ए बी सी डी इसको मैं इस तरीके से ले लेता हूं ठीक है ना, एक ई वेक्टर ले लेता हूं और एक एफ वेक्टर ऐसे ले लेता हूं ठीक है, ताकि अपना काम थोड़ा इजी हो जाए ठीक है। अब आप देखना ए वेक्टर को उठाओ यहां पर रख दो, बी वेक्टर को उठाओ यहां पर रख दो, सी वेक्टर को उठाओ यहां पर रख दो, डी वेक्टर को उठाओ यहां पर रख दो, ई वेक्टर को उठाओ, इस तरीके से रखो, एक का हेड एक का टेल, एक का हेड एक का टेल, आपस में एक दूसरे के साथ मतलब एक फ्लो में, देखो फ्लो में एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे, इस तरीके से जा रहे कि नहीं जा रहे ठीक। और आप लोगों के पास इधर की तरफ ये क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर हो जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से देखना कि पॉलीगन लॉ कोई अलग से लॉ नहीं है, यहां पर बहुत सारे ट्राइंगल लॉ यूज करके अपन पॉलीगन लॉ को सॉल्व कर देंगे। तो देखना आप लोग अब इस पॉइंट से बात करेंगे, इस पॉइंट से ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर इधर जा रहा है इस तरीके से, तो फैक्ट है जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके से। तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैंने इन दोनों को सॉल्व करा, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर को इन दोनों के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करते हो, कितना होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। आई बस में अभी दोनों हट गए, अभी दोनों हट गए, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ठीक है ना, और अब ये भी इधर जा रहा है, अब इसको भूल जाओ ठीक है ना, इसको भूल जाओ, देखना आप इसको भूल जाओ, ये तो सॉल्व कर दिया अपने, और सॉल्व करने पर कितना है अपने पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो ये इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर की तरफ कहीं आएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके से। और ये कितना होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन दोनों को सॉल्व करके ये आया। अब इन दोनों को हटा दो क्योंकि सॉल्व कर दिया तो अपन, यू नो अब देखो ये इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इधर की तरफ यहां पे कहीं पर आएगा कि नहीं आएगा आपके पास, इस तरीके से। और ये कितना हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब इन दोनों को हटा दो, देखो अपने आप साइड्स कम होती जा रही है आपके पास ठीक है। अब ये इधर गया, इधर गया फिर इधर गया, एक ही डायरेक्शन हो गई, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा ऐसे। और ये कितना जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर आ जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे अब आपके पास। आई बस में अब ये इधर गया, इधर से नीचे आएगा ठीक है ना, इधर गया इधर गया इधर से नीचे आएगा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इधर की तरफ ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, इधर क्या इधर क्या। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। ये आप लोगों के पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा और यही आप लोगों के पास पॉलीगन लॉ है। अरे बस समझ में, तो इस तरीके से अपन पॉलीगन के अगर सपोज अपने पास मोर देन टू वेक्टर है और उनको अगर मुझे सॉल्व करना है तो फिर मैं पॉलीगन यूज करूंगा। आई बात समझ में आप लोगों को, देखो इसको जल्दी से, नेक्स्ट देखो बेटा ठीक। अब अपन सब में मैग्नीट्यूड वही रहना है, मैग्नीट्यूड कितना रहना है आप लोगों के पास, चाहे आप कोई सा भी लो यूज करो, मैग्नीट्यूड आपके पास हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड रहेगा। और टेन अल्फा, मैं भी अल्फा ही लिख देता हूं ठीक है ना,
बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा से ही अपन लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और ये आर वेक्टर आप लोगों के पास होगा रिजल्टेंट वेक्टर, और जो टेन अल्फा, अल्फा डायरेक्शन बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर के विद रेस्पेक्ट टू ए। आगे बात समझ में, अब आपको ध्यान से देखना। मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके से एक पार्टिकल है, ठीक, इस पर इधर की तरफ एक एफ वन फोर्स लग रहा है, ठीक ना, और एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है एफ टू वेक्टर। एक स्पेशल केस है ये, बहुत हेल्प करेगा अपनी, ठीक ना, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो फैक्ट है कि अगर एफ वन वैक्टर ये है, एफ टू वैक्टर ये है, और इनके बीच का एंगल अपन लोगों के पास कितना है, थीटा है, ठीक। तो फैक्ट है कि इनका जो भी रिजल्टेंट होगा वो हमेशा बिल्कुल इनके इनके बीच में से कहीं से पास होगा। आगे बात में, और उसको मैं लिख देता हूं यहां पर एफ नेट, लिख सकता हूं। और ये एंगल, ये एफ नेट इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, अल्फा, और इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, बीटा। ये तो अपन लोगों ने डिस्कस करा बेटा, ठीक। ये एफ वन वेक्टर, ये एफ टू वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा याद रखना कि जो जो भी अपने पास पैरेललोग्राम होता है, अगर एक वेक्टर इधर रख दिया एक वेक्टर इधर रख दिया, तो जो रिजल्टेंट होगा ना वो हमेशा इन दोनों के बीच में से ही कहीं पास होगा। अरे बस, अब वो किस तरीके से पास होगा इस चीज पर अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको इधर कहीं मिल जाएगा एफ नेट, नहीं, इन दोनों के बीच में ही कहीं मिलेगा, चाहे कहीं पर भी मिल जाए। आई बात समझे, तो देखना आप लोग, तो मैं यहां से एफ नेट को क्या लिख सकता हूं, एफ नेट को लिख सकता हूं मैं एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, लिख सकता हूं। और टेन अल्फा को क्या लिख सकता हूं, टेन अल्फा इक्वल टू, देखो अल्फा किसके साथ है, एफ वन के साथ, तो ऊपर कौन आएगा, एफ टू, ये हो जाएगा एफ टू साइन थीटा अपॉन में एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा। तो ये टेन अल्फा क्या जाएगा, एक तरीके से एंगल बिटवीन एफ नेट एंड एफ वन, ठीक। अब आप देखना, मैंने यहां पे क्या करा, यहां पर एफ वन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एफ टू का मैग्नीट्यूड, एफ वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस एफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना ले लिया, एफ ले लिया। इसका मतलब ये ले कि इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है आप लोगों के पास, एफ है, ठीक ना, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है एफ, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है आपके पास एफ। इतने से अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी कितना न्यूटन है आप लोगों के पास, 10 न्यूटन है। तो वैल्यू पुट करो वहां पे, तो देखना आप लोग, तो यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस टू एफ इंटू एफ कॉस थीटा देगा। तो आप लोगों के पास यहां से एफ स्क्वायर तो ये कितना देगा, टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस थीटा देगा कि नहीं देगा। तो यहां से आप लोगों के पास टू एफ स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये जाएगा वन प्लस कॉस थीटा देगा। ये क्या चल रहा है आप लोगों के पास, एफ नेट की वैल्यू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट एफ नेट लिख रहा हूं। अगली बस में, अब आप एक फॉर्मूला है जो पढ़ के आ चुके हो आप लोग, ठीक है ना, नहीं पढ़ा है तो डायरेक्ट याद रखो, कॉस टू थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, माइनस वन का लिखेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, तो जाएगा कॉस टू थीटा प्लस वन इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगले बस में बहुत ध्यान से देखना, अगर इधर टू थीटा है ना तो देखो इधर थीटा आ रहा है, इधर टू थीटा है तो इधर थीटा है, हाफ हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखू, देखना कॉस थीटा प्लस वन, कॉस थीटा प्लस वन थीटा, अब टू थीटा की जगह क्या लिख दिया, थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू हो जाएगा। तो कॉस थीटा प्लस वन, कॉस थीटा प्लस वन की जगह कितना लिख सकता हूं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। तो जो एफ नेट की वैल्यू मेरे पास यहां पर आएगी वो आएगी रूट में टू एफ स्क्वायर ब्रैकेट वन, यहां पर हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय, आई बात समझे, तो देखना आप लोग। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पर आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास एफ नेट इक्वल टू 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 फोर हो जाएगा, तो फोर एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो फोर, फोर को क्या लिख सकता हूं, टू का स्क्वायर,
तो 2 को स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, एफ स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, कॉस स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो 2f cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों के पास f नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f नेट की वैल्यू आ जाएगी 2f cos थीटा बाई। इसका मतलब अगर सपोज आपके पास कोई दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है आप लोगों के पास इक्वल है, जिनका मैग्नीट्यूड आप लोगों के पास क्या है इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास जो एफ नेट की वैल्यू आएगी वो एफ नेट की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी 2f cos थीटा बाई 2 के इक्वल आ जाएगी। आई गई बात समझ में आप लोगों को, कोई डाउट नहीं ना कि अगर आपके पास कोई से भी दो वेक्टर किसी एंगल थीटा पर किसी एक कण पर या किसी एक पार्टिकल पर अगर लग रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पर आप क्या देखोगे कि उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 2f cos थीटा बाय 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई नहीं आई बस में, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा देखना। ठीक, तो मुझे पता लग गया कि जो f नेट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2f cos थीटा बाय 2 आएगी। आगे चलो, अब आप देखना tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू कितना है, tan अल्फा है आप लोगों के पास f2 sin थीटा अपॉन में 1 f1 प्लस f2 cos थीटा। आगे बस में तो F1 F2 का मैग्नीट्यूड तो कितना है F, तो यहां पर F रख दो, F sin थीटा अपॉन में F प्लस F cos थीटा, F कॉमन ले दो 2 सॉरी F भा ले लो तो 1 प्लस cos थीटा, F से F tan से, तो आप लोगों के पास आ गया sin थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। ये किसकी वैल्यू चल रही है tan अल्फा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं sin थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिखूं इसको, इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ठीक, और इसको क्या लिख सकता हूं 1 प्लस cos थीटा भी लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे एक कॉस कैंसिल हो गया, तो आपके पास tan अल्फा इक्वल टू sin थीटा बाय 2 और नीचे कितना बचेगा, ये हो गया sin थीटा बाय 2 और नीचे कितना बचा cos थीटा बाय 2, तो sin अपॉन में cos किसके इक्वल होता है tan के, तो यहां पे tan अल्फा इक्वल टू आ गया tan थीटा बाय 2, tan से tan को रिप्लेस कर दो तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया थीटा बाय 2। तो वो क्या बता रहा है कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है ना, अगर सपोज दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास होगा जिसकी वैल्यू कितनी है 2f cos थीटा बाय 2 है, वो आपके पास हमेशा थीटा बाय 2 के एंगल पर होगा। कितना डिग्री का एंगल पर होगा थीटा बाय 2। अब आप देख लो पूरा एंगल कितना है थीटा, इसमें से थीटा बाय 2 ये लेगा तो थीटा बाय 2 ऊपर वाले के पास चला जाएगा। इसको ऐसे समझो कि अगर ये 60 डिग्री का एंगल होता ना और ये भी एफ होता, ये भी एफ होता, अगर ये 60 डिग्री का एंगल होता तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आपको 30 डिग्री पे मिलता, 30 डिग्री नीचे से भी 30 ऊपर से भी 30 डिग्री। अरे बात समझ, ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है बेटा, ठीक है, क्लियर है ना। अपन इसके थोड़े से डाउट करते हैं ताकि आप लोगों को चीज क्लियर हो जाए एकदम, तो देखना आप लोग समझ में आएगी क्या, ठीक है ना। इसको साइड में बना देता हूं मैं एक बार, बात समझे आप लोगों को। अब आप इसको एग्जांपल के थ्रू अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो देखना आप लोग, मान लेते हैं कि एफ फैक्टर इधर है और
एफ वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है आप लोगों के पास, दोनों के बीच में एंगल है आप लोगों के पास 60 डिग्री। तो फैक्ट है आप लोगों का जो एफ नेट आएगा वो बिल्कुल यहां पे कहीं पर आएगा इस तरीके से, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 2f cos θ/2। और यहां पे थीटा किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है कि नहीं है, तो यहां पर आपके पास कितना जाएगा 2f cos 60 डिग्री/2 हो जाएगा। तो आप लोगों के पास ये कितना जाएगा 2f cos 30 डिग्री, तो आपके पास कितना जाएगा 2f cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये कैंसिल हो गया, तो आप लोगों के पास आंसर कितना जाएगा √3f। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा आप यहां पे कि f नेट की वैल्यू कितनी आएगी √3f के इक्वल आएगी, और यहां से जो अल्फा आएगा वो भी 30 डिग्री होगा, और यहां से वो बीटा आएगा वो भी आप लोगों के पास कितना होगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का इंपैक्ट एकदम सेम है, जितना रिजल्टेंट वेक्टर में जितना इसका योगदान है उतना इसका योगदान है। तो फैक्ट है जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो बिल्कुल इन दोनों के बिल्कुल बायसेक्टर से पास होगा। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक। अब आप इसको ना अपने बड़े वाले मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हो। देखना, रूट में f1² + f2² + 2ff cos 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप लोगों के पास ये कितना जाएगा 2f² + 2f² cos 60 की वैल्यू कितनी थी 1/2, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे f स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे आपके पास कितना बचा 3f², तो कितना जाएगा √3f। देख लो √3f आ रहा है आपके पास। अरे बस सुन, ये 30 डिग्री आएगा, चाहे देख लेना आप लोग। tan alpha इक्वल टू कितना हो जाएगा f sin 60 डिग्री / f + f cos 60 डिग्री। तो आपके पास कितना बचेगा sin 60 डिग्री / 1 + cos 60 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये जाएगा 1 + 1/2, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक। तो आपके पास ऊपर आ जाएगा √3/2 और नीचे आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, और ऊपर √3 है नीचे 3 है, तो आपके पास क्या जाएगा, देखना tan alpha = √3/3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/√3, और 1/√3 कहां पर होता है, जब tan alpha आप लोगों के पास कितना होगा 30 डिग्री, ये कैंसिल कर दो, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तरीके से ये आ जाएगा alpha = 30 डिग्री। आई बात समझ में, ठीक। तो इस तरीके से अपन लोगों को सॉल्व करना है, आई बात समझ में। अब आगे के दोनों में डायरेक्ट बता रहा हूं, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है ना, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग मुझे खुद सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, और ये एंगल आप लोगों के पास हो गया 90 डिग्री, तो एफ नेट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और एक एग्जांपल ये कर लो आप लोग, यहां पर थीटा इक्वल टू हो गया 120 डिग्री, ठीक। तो अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो फैक्टर बिल्कुल बायसेक्टर से पास होगा, तो एफ नेट यहां पर कहीं पर इस तरीके से आएगा, और जो एफ नेट की वैल्यू होगी वो आपके पास होगी √2f, और यहां से अल्फा इक्वल टू भी 45 डिग्री होगा, और बीटा इक्वल टू भी 45 डिग्री होगा। पूरा कंप्लीट करके बताना मुझे, एज इट इज जो 120 मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो बायसेक्टर, तो 120 का बायसेक्टर इट मीन 60 डिग्री, तो एफ नेट आप लोगों का यहां से पास होगा, और एफ नेट की वैल्यू आपके पास एफ आएगी, और यहां से अल्फा आप लोगों के पास 60 डिग्री होगा, और बीटा भी आप लोगों के पास कितना होगा 60 डिग्री होगा। आई नहीं आई बात समझ में, कंप्लीट करो जल्दी से इसको।